क्रिप्टो मार्केट भी दोस्तों दूसरी फाइनेंशियल मार्केट की तरह ही वर्क करता है। यह भी कभी बुल रन में होता है जैसा हमें लास्ट ईयर देखने को मिला, और कभी बियर रन में भी होता है जिस ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है, और कभी कभी मार्केट एक ही रेंज का हो या चैनल में ट्रेड हो रहा होता है। सभी को ऐसा लगता है क्रिप्टो एक क्विक मनी ऑप्शन है जहां आज पैसा लगाया और थोड़े ही दिनों में हमें मल्टीपल टाइम्स के रिटर्न देखने को मिलते हैं। सभी बुल रन की तरह क्रिप्टो में भी ऐसा ही होता है। लाइक लास्ट ईयर अगर आपने किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको मल्टीपल टाइम के रिटर्न देखने को इजिली मिल जाते, और यही तो खासियत होती है किसी भी बुल रन की। बट अभी मार्केट बियर फेस में है। मोस्टली जितने भी क्रिप्टो है वो 50% से ज्यादा अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो चुके हैं, और कई लोगों का कैपिटल अब स्टक हो चुका है मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट जितनी फास्ट राइज करती है उतनी फास्ट ड्रॉप भी करती है, ऐसे में कईयों की कैपिटल स्टक हो जाती है। इससे बचने का एक ही तरीका है, वो है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका एक और बेनिफिट है जिसे मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वेलकम टू माई चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये जानते हैं SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। SIP भी दोस्तों एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है। जैसे हम SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में, उसी तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज भी आपके लिए SIP का ऑप्शन लेकर आए हैं। अगर आप जॉब करते हो तो एवरी मंथ आपको सैलरी मिलती है, उसी तरह से आप भी एवरी मंथ एक फिक्स अमाउंट सेट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी फाइनेंशियल एसेट में, एंड अपनी पसंद की क्रिप्टो सिलेक्ट करके। फिक्स अमाउंट भी आप अपनी सेविंग के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, लाइक आप 100 रुपीज, 500, 1000 या 2000, जितना आप चाहो। ये सबसे इजीएस्ट वे होता है किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने का। अब बात करते हैं कौन कौन सी एक्सचेंज आपको SIP की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। BitBNS, JabPay, BuyUCoin सभी आपको SIP का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से CoinSwitch ने भी RPB रीअकरिंग बाय प्लान लॉन्च किया है, जो भी SIP की तरह ही वर्क करता है। CoinSwitch पर ही मैं आपको SIP कैसे करनी है ये करके दिखाता हूँ। अगर आप न्यू है क्रिप्टो में और आप भी क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी एप्स का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा क्रिप्टो एक्सचेंज कंपैरिजन वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे आपको किस एक्सचेंज में क्या फीचर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SIP करने का प्रोसेस। आपको अपनी CoinSwitch ऐप को ओपन करना है, एंड स्लाइड नोटिफिकेशन में 4th नंबर पर आपको RPB रिकरिंग बाय प्लान क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नीचे बॉक्स में लिखा आ रहा है स्टार्ट बिटकॉइन रिकरिंग बाय, एंड स्टार्ट नाउ का ऑप्शन भी है, हमें इस बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा अमाउंट का, आपको कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है एवरी मंथ ये आपको डिसाइड करना है। मिनिमम आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, एंड मैक्सिमम 2.5 लाख तक कर सकते हो। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वन टाइम बाय एंड रिकरिंग बाय। वन टाइम बाय का मतलब है सिंपल इन्वेस्टमेंट जितना आप करना चाहो, एंड रिकरिंग बाय का मतलब है ऑटोमेटिकली आपके डिसाइड अमाउंट का BTC बाय हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है डेट सिलेक्ट का। अगर आप जॉब करते हो तो जब आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है, ताकि आपके पास फंड्स की कोई कमी ना रहे। इसके अलावा आपको जो डेट पसंद हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। सब कुछ फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू रिकरिंग बाय पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो आपको कितना BTC मिलेगा 100 रुपीज में। उसके बाद आपने कितने अमाउंट की SIP स्टार्ट की है वो दिखाएगा। मैंने 100 की किया है तो यहाँ 100 शो कर रहा है, और आप देख सकते हो मुझे फीस पर भी 20% का डिस्काउंट मिला है इसमें, जो कि एक और बेनिफिट है SIP करने का। उसके बाद स्टार्टिंग डेट एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट जो मैंने खुद सिलेक्ट की है 1st of every month। इसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो में जाकर देख सकते हैं 100 रुपीज के बिटकॉइन मेरे पोर्टफोलियो में शो कर रहा है जो मैंने अभी बाय किए हैं। ये तो दोस्तों CoinSwitch ऐप का यूज करके आप कैसे SIP स्टार्ट कर सकते हो क्रिप्टो में। अब बात करते हैं SIP करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट है दोस्तों लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। SIP में आपको खुद डिसाइड करना होता है आप कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर सेविंग। आप 100, 500, 1000 या फिर 10,000, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है।
और मंथली 100 या 500 रुपए किसी के लिए भी सेव करना ज्यादा नहीं है। सेकंड बेनिफिट है डॉलर कॉस्टिंग एवरेज। SIP से आपको एक और बेनिफिट मिलता है, इसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो एवरेज होती जाती है, बिकॉज एवरी मंथ एसेट का प्राइस डिफरेंस होगा। आपको इसमें मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं होती है कि आपने सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं। थर्ड है कन्वीनियंस। SIP सबसे इजीएस्ट वे होता है किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो डीप रिसर्च करे, मार्केट को एनालाइज करे, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता क्रिप्टो मार्केट क्या है या फिर स्टॉक मार्केट क्या है, तब भी आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आते हैं एक और बेनिफिट जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसे जानने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्रिप्टो टैक्स स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से और क्रिप्टो टैक्स लगेगा 30%। अब गवर्नमेंट ने कहा है अगर कोई भी इन्वेस्टर क्रिप्टो को 36 मंथ यानी कि 3 साल से ज्यादा होल्ड करके रखता है तो उसको क्रिप्टो टैक्स देना होगा 20%। SIP के थ्रू आप 10% तक क्रिप्टो सेव कर सकते हो अपने प्रॉफिट पर। अभी के लिए गवर्नमेंट ने 30% क्रिप्टो टैक्स डिसाइड किया है। आई होप इन नियर फ्यूचर गवर्नमेंट इसे और कम कर दे, क्योंकि 30% टैक्स बहुत ज्यादा है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो क्रिप्टो में SIP को लेकर। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।